हमने सील लिए, ये हाथ बन गए हमारे, बॉडी टेक्सचर से पता लग रहा नहीं कि हाथ है। इसी तरीके से अब इस पर हम आइज के निशान लगा देंगे बेटा, आइज और लिप्स। अब आइज और लिप्स के लिए बेटा हमें आइज के लिए, वैसे तो आप जो ये घर पे लोंग होती है, लोंग का ऊपर का हिस्सा होता है टोपी, हम उसको भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ब्लैक कलर का धागा लेके, ब्लैक कलर का धागा लेके बेटा, क्रॉस स्टिच होते हैं ना, स्टेप से आप क्रॉस स्टिच करके बेटा आइज बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही दूसरी आइज हम बना लेंगे बेटा। इस स्टेप से आप आइज बना लेंगे बेटा। ऐसे ही आप रेड कलर की, अगर रील है आपके पास, रेड कलर के अपने लिप्स बनाएं, अदरवाइज रेड कलर की स्केच पेन से भी आप मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप देखेंगे ये डॉल हमारी ऐसे अजीब से लग रही है कि यहाँ हमारा धागे धागे दिख रहे हैं और अजीब सा लग रहा है ना, तो इसको अगर आपके पास रिबन है या कोई लेस है, लेस कोई दुपट्टे के भी पुराने जो दुपट्टा ख़राब हो जाए तो उसकी लेस उतार के हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, रिबन लगा सकते हैं। नहीं तो हमने जो ये सॉक्स, जो हमारी कटिंग, जो सॉक्स का बीच का हिस्सा हमारा ये बच गया था, इसको हम इसमें डालेंगे, गले में डाल के इसका हम एक तरीके से रिबन बना देंगे। क्योंकि मेरे पास वाइट सॉक्स है बेटा, इसलिए इतना कलरफुल नहीं है तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, बट आपके पास अगर कलरफुल सॉक्स है तो वही चीज़ आपकी ग्रेसफुल बन जाएगी। ये देखो इसको वैसे ही पीछे से स्टिच कर देना बेटा, लाइक दैट। ठीक है बच्चे, अब इसकी कैप में हमने जो स्टार्टिंग में तैयार की थी ये कैप हम इसको पहनाएंगे। ये देखो बेटा, अगर ये यही अगर हमारी कलरफुल होती तो इसमें हमें और ग्रेस आ जाती। आपका ये रेड पोर्शन हो जाता, मान लो ये रेड कलर का ले लो, ब्लैक कलर की टोपी ले लो, अपनी हैंड्स अदर कलर्स के होते तो ये आपकी वाटर बहुत सुंदर डॉल मेकिंग होती बेटा। इसमें आप लोगों ने बेटा देखा, एक ही सॉक्स, सिंगल एक सॉक्स से हमने सारे यूज किए, रिबन भी हमने, इवन की जो हमने एडी का पोर्शन निकाला था वही हमने लगाया है, तो ना हमने ये भी पोर्शन हमने नहीं वेस्ट किया, पूरी पूरी सॉक्स यूज की है। आपके पास अगर फाइबर नहीं है, आपके पास कॉटन नहीं है, तो आप वेस्ट जो आपकी कतरे होते हैं उसको बना के भी इसमें डाल सकते हैं,
ठीक है। सॉक्स कोई भी कलरफुल, आपको नई सॉक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में जो भी पुरानी सॉक्स है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करना अगर कलरफुल है तो बहुत सुंदर बनेगी बेटा आपकी डॉल मेकिंग, ठीक है। थैंक यू।